तो दोस्तों, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने अपना 8वां साफ चैंपियनशिप जीत लिया कल नेपाल को 3-0 से हरा के। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल्स में बात करेंगे इस मैच को लेकर। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने सैफ कप का शुरुआत बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों के साथ हमें ड्रॉ खेलना पड़ा था, तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। तो फाइनली इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को जैसा करना था वैसा उन्होंने किया और सैफ 2021 की ट्रॉफी को जीत लिया कल नेपाल को 3-0 से, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करके हरा दिया दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस था अंडर इगोर स्टिमैक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का। तो पहली बार हुआ है ऐसा पिछले 2-2.5 सालों में कि इगोर स्टिमैक के अंडर में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने लगातार 3 मैचेस डोमिनेट करके जीते हो। जी हाँ दोस्तों, डोमिनेट करके। तो दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप जीतने के लिए इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम उतरी थी, जो जीती भी तो वो डिजर्व करती थी विन। तो फाइनली इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने नेपाल को 3-0 से हरा के अपना 8वां सैफ चैंपियनशिप 2021 जीत लिया। तो इगोर स्टिमैक नहीं थे बेंच में, उनको रेड कार्ड मिला था मालदीव्स के अगेंस्ट, जिसके वजह से उन्होंने फाइनल मिस किया, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने डिजर्वली बहुत ही ज़्यादा विन किया और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट किया इस मैच को। तो फर्स्ट हाफ के बारे में अगर बात किया जाए तो फर्स्ट हाफ उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा लैक हो रहा था इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का पासिंग। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट हाफ के 20 मिनट के बाद इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम ने डोमिनेट करना, अच्छा से डोमिनेट करना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद बारिश शुरू हो गया, जिसके वजह से ग्राउंड का लेवल जो था बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया और बॉल कंट्रोल नहीं हो रहा था, प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे इंडियन प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दिखाया, अपने पास बॉल पोजिशन रखा और मैच को कंट्रोल किया। और सेकेंड हाफ के शुरुआत में ही हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड ने लीड दिया इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को 1-0 से, हेडर करके गोल दिया। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गोल था सुनील छेत्री का। और उसके बाद कुछ मिनट के बाद ही दोस्तों, सुरेश सिंह वांगजम ने एक इक्वलाइजर डाल दिया और इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को 2-0 से आगे कर दिया। और लास्ट के मोमेंट में शाहलदुल शमा सुपर सब बनकर आए और एक गोल दाग दिया और 3-0 का स्कोर हो गया दोस्तों। इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम 3-0 से नेपाली टीम को हरा दिया और सैफ चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया। तो इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद हमारे इंडियन प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर चुके होंगे, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया को AFC का क्वालिफायर मैच खेलना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच अभी आने वाले हैं। तो इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद, इन सारे इतने अच्छे परफॉर्मेंस देने के बाद हमारे इंडियन प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होंगे। तो बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला, लेकिन मोहम्मद यासिर हो गए, सुरेश सिंह हो गए और अपुया हो गए, उन्होंने अलग ही लेवल का गेम दिखाया दोस्तों इस सैफ टूर्नामेंट में। और भी कई सारे प्लेयर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल बेके काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाते थे, लेकिन उन्होंने भी इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेला। और दोस्तों, अनिरुद्ध थापा और मंदार राव देसाई ने भी फाइनल मैच में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। तो ओवरऑल सभी प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, कोचिंग स्टाफ ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके वजह से सैफ चैंपियनशिप इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम जीत पाई। तो जीतना भी था, क्योंकि दोस्तों हम साउथ एशिया के सबसे बेस्ट टीमों में से एक हैं, बेस्ट फुटबॉलिंग कंट्री है, तो हमें ही जीतना था। अगर नहीं जीतते तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता इगोर स्टिमैक को और सारे प्लेयर्स को भी, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम ही साउथ एशिया के चैंपियन हैं। तो आने वाले समय में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम बहुत ही अच्छा खेलेगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।